खाओ ना मौसी, चुक चुक जो बेटी। गांव में सूखा पड़ गया था, एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गई थी, सो काम की तलाश में यहां चली आई। कुछ भी करने को मिल जाए, बस भगवान भीख ना मंगवाए। बेटी कोई काम मिल जाए तो, कोई अचार मिल जाए तो मैं भैया से कहूंगी, वो जरूर तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। भगवान भला करे तेरा और तेरे भैया का। अगर उसने इस कमबख्त की जगह मुझे बेटा दे दिया होता तो पेट की खातिर मारे मारे फिरना ना पड़ता। इसे तो सुबह शाम जब देखो तब टूटने को चाहिए। गांव के शास्त्री क्या कहा करते थे कि मर्द का धर्म है कमाना और औरत का धर्म है खाना। उनका मतलब सिर्फ खाने से ही नहीं, खाना खिलाना और खाना पकाना भी, समझी? बस बस बस, तुम तो मुझे यहाँ भी चैन से खाने नहीं दोगी, मैं बाहर ही जाके खाती हूँ। अरे लेकिन मेरी बात खाने दीजिए ना। टकटकी बांधकर टुकुर टुकुर क्या ताक रहे हो? हमसे पहले कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? मेरे भैया, विंच ड्राइवर मौजूद है? मौजूद है मैम साहब। अपना काम देखभाल की ठीक ठाक कर रहे हो ना? तुझे कोई तकलीफ है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैंने तो इसलिए पूछा था कि मशीन का काम हाथ से कम और दिमाग से ज्यादा करना पड़ता है। हाँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मेरे पास दिमाग का खजाना है। तेरे पास जो खजाना है वो तो मुझे मालूम है, कुछ करती धरती तो है नहीं, बुढ़ापे में माँ से काम कराती रहती है और जब देखो मटकती रहती है और चढ़ती रहती है। अरे पर तू क्यों जलता है? तुझे खाना है तो ये ले, ये तू ये खा ले। हे भगवान, अरे तू क्यों मेरा मगज खराब करने चली आती? जा यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत कर, जा। वक्त के बच्चे, जा जा, मैं नहीं जाती। अरे तू जाती आई है? तेरा वक्त मैं ले जा रही हूँ। सीधा सीधा मेरी घड़ी रख दे, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लेगा तू? बताता हूँ। आजा आजा। चुपचाप से मेरी घड़ी दे दे, वरना। वरना क्या कर लेगा? वरना तेरा हाथ तोड़ के घड़ी ले लूंगा। अच्छा, ये बात है। अब बोलो। चली आई कमर मटकाती हुई, सुननी पड़ी ना उस लॉ पॉइंट की, तभी तो मैं। हाँ।
आइए काल पुरुष जी आइए, इस बार आप क्या मटका तोड़ेंगे? तकदीर ने तो आपका हाथ तोड़ दिया। आइए काली साहब आइए, मटका तोड़िए। अब क्या मटका तोड़ेगा ये? बत्ती से निकाल कर हंस क्या रहे हो? काली का एक भी हाथ पड़ गया ना तो जबड़ा समेत बत्ती से बाहर नजर आएगी। काली इतना कमजोर नहीं कि ये मटका तोड़कर अपनी बहादुरी जताए। इस जरा से काम के लिए मैं ही काफी हूँ। आप बोलो, बहुत बढ़ बढ़ के बोल रहे थे ना? तुम जैसी सुंदरी साथ हो तो बोलने की क्या आवश्यकता है? आइंदा लड़ाओ से तमीज से बात करना, समझे? लगता है सुबह सुबह सूरज देवता की ड्यूटी लगाकर चांद खुद नाश्ता खिलाने जमीन पर उतर आया है। ऐसे बाकी चिदवन से देखेगी ना तो खूंटा गाड़कर घर में ही गाय की तरह बन जाऊंगा। इधर देख। क्यों नहीं? शर्म आती है। क्या आती है? शर्म आती है। हे भगवान, जिसे देखकर शर्म शर्मा जाती थी अब वही शर्माने लगी तो शर्म का क्या होगा? मेरी लाज बनती, लजाना छोड़, अब कुछ खिला पिला। सारा तन भूख से जल रहा है, ये क्या है? धत। ये क्या है? छी। अरे इसमें छी की क्या बात है? आ, आ। खाना लगा, चलो। तुम मच्छी ले आओ, देखो ऐसी पकाऊंगी कि। अरे फिर खाना? रात को ही तो बताया था शादी का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, और आज मैं कहीं नहीं जाने वाला। जो कुछ चाहिए सीता से कहकर मंगवा लेना। बैठो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं पूछती हूँ, तुम्हारी क्या अकल मारी गई है जो इस लंपट से तुम अपनी बहन ब्याह रहे हो? तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें अपने साहब से नफरत है? अरे अगर तुम्हें उनसे नफरत है तो अपनी बहन को क्यों भाड़ में झोंक रहे हो? जरा सोचो, तुमने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है और अपनी जिद की खातिर तुम उस बेचारी को इस रंडवे के साथ नर्क में ढकेल रहे हो। मैं कहती हूँ उनसे कहो यहाँ से इसी दम चले जाए, मेरे जीते जी ये सगाई नहीं हो सकती। जीते जी नहीं हो सकती तो जाओ नदी में जाकर डूब मारो, क्योंकि ये सगाई होकर रहेगी। तेरी ये मजाल, ये मेरा और मेरी बहन का आपसी मामला है। मैं जिसके साथ चाहूं उसकी शादी करूंगा, चाहे वो राजा हो या रंक। राजा तो रावण भी था लेकिन मेरी बहन तुलसीदास की सीता नहीं, काली की सीता है, जिसकी जिंदगी में कभी कोई रावण नहीं आएगा। अब अगर तूने बीच में टांग अड़ाई, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो मार डालो, लेकिन जब तक सांस है अपनी सीता को बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ले मार। मेरी सगाई वाले दिन भाभी पर क्यों हाथ उठाते हो? भाभी तुम बीच में मत बोलो। नहीं, इन्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। जिद की भी हद होती है, आखिर तेरी भी कोई अपनी जिंदगी है? मेरी जिंदगी भैया की जिंदगी, वो जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। और तुम क्या भैया से ज्यादा मेरे भले की सोच सकती हो? क्या
इनके साथ साथ तू भी अपनी अकल खो बैठी है। तुम चाहे जो समझो भैया, रस्म पूरी करो, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। साथ है ना, अपने स्वांग दिखाए बिना बाज नहीं आती। तू परवाह मत कर, काली ने जबान दे दी तो दे दी। साहब, सीता की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। अगर सीता की शादी उनकी जिद की भेंट चढ़ गई तो उस बिचारी का जीवन नरक बन जाएगा। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम ही बताओ मंगला, मैं क्या करूं? मैं कैसे भी सीता को समझा बुझा कर मना लूंगी। आप उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाइए और चुपचाप शादी करके लौट आइए। फिर हार कर काली को ये रिश्ता मंजूर करना ही होगा। भगा कर ले जाना, चुपचाप शादी करना, सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं शादी करने नहीं कोई पाप करने जा रहा हूं। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, तुम्हें मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर कैसे उम्मीद रखनी चाहिए? यही कि सीता जैसी भोली भाली लड़की के दिल में प्यार की आग जलाकर उसे जिंदगी भर जलने के लिए छोड़ दे। ये कि वो लड़की जिसने आज तक सिर्फ अपने भाई का प्यार जाना हो, उसके मन में हलचल मचा दे ताकि कल भाई से जुदा होकर जब वो अपनी जिंदगी का मतलब समझे, अपने भाई से नफरत करे। आपसे यही उम्मीद रखनी चाहिए ना साहब, कि भाई बहन के सच्चे प्यार में आप दरार डाल दे। फॉर गॉड्स सेक मंगला प्लीज। भाग में जाए आपका प्लीज और आपकी अंग्रेजी। आप तो मेरे पति से भी गए गुजरे हैं। वो बेचारा तो अनपढ़ है, गवार है, उसके लिए इज्जत का मतलब है अपनी बात रखना। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो समझना चाहिए कि वो जो कुछ भी कर रहा है आप पर अपना गुस्सा निकालने के लिए कर रहा है, अपना बदला ले रहा है वो आपसे। तो क्या आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं? आपकी आदमियत आपको यही सिखाती है? लेकिन मंगला, सगाई हो चुकी है, शादी की तारीख तय हो चुकी है, मैं कैसे दखल दे सकता हूँ? दखल नहीं दे सकते तो सीता को जहर तो दे सकते हैं आप। कम से कम बेचारी एक बार में चैन की मौत तो मर जाएगी। सारी उम्र जिंदा रहकर हर पल मरेगी तो नहीं।